एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के सिलेबस में जो डिफरेंट सेक्शंस मेंशन की गई हैं, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि है जनरल अवेयरनेस और साइंस के रिलेटेड। और इस सेक्शन में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जनरल साइंस का। तो आज मैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर 100 MCQ आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथ ही साथ आपको पता होगा 25 से हम जो है 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो उस सीरीज़ को ज़रूर से आपने देखना है, क्योंकि अगर आप उस सीरीज़ को कर लेते हो तो आपके जो है 50+ जो है मार्क्स उसी सीरीज़ में से आ सकते हैं। तो उसको आपने मिस नहीं करना है। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आपकी वो मिस ना हो सीरीज़। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है जनरल साइंस के ऊपर हमने MCQ लिए हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शंस आपके पास है मोटर, जनरेटर, मूविंग कॉइल मीटर एंड बैटरी। तो वो डिवाइस हमें बतानी है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आपने क्या करना है, साइड पे कॉपी पे नोट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही होते हैं। पहले आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं हर एक क्वेश्चन को, तो बाद में आपने देखना है इसका जो राइट आंसर होगा। तो साइड पे कॉपी पे लिख देना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो आपके ठीक हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बैटरी, यानी कि बैटरी वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मटीरियल इन द यूनिवर्स इज। तो सबसे ज़्यादा मटीरियल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यूनिवर्स में वो कौन सा मटीरियल है। ऑप्शंस आपके पास हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन। तो होप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल विच इज़ फाउंड इन द यूनिवर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो हमें बताना है कि जो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है। तो इसकी जो ऑप्शंस है वो है वाट, केजी, न्यूटन एंड जूल। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने 10th में साइंस अच्छे से पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन मूव करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। और जो आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं वो है केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस। तो हमें आपने बताना है कि जो SI यूनिट होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा। तो होप आपने इसका आंसर जो होगा वो मार्क कर दिया होगा। तो हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केल्विन। तो केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। साउंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। ऑप्शन आपका है फ्रिक्शन, सर्कुलेशन, वाइब्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। बताइए साउंड जो है किसके, कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वाइब्रेशंस, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जो हमारी बातें होती हैं वो एयर में वाइब्रेशंस की तरह जो है ट्रैवल करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की तरह, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा वाइब्रेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ। तो आपके ऑप्शन रहेंगे रेस, वेव्स, एनर्जी एंड लाइट। चूँकि साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में ट्रैवल करती है। ऑप्शन आपके पास है रेस, वेव्स, एनर्जी एंड लाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वेव्स, यानी कि जो साउंड है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। तो होप ये डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पहला ऑप्शन आपके पास स्पीड, दूसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन वेलोसिटी एंड डी पावर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो डेफिनेशन पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि ये जो ऑप्शंस होगा ये वेलोसिटी की जो है, वेलोसिटी का जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये थे हमारे पहले 7 क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट्स द
दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए आपके पास है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी आपके पास है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी आपके पास है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी आपके पास है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको ऑप्शन से ही ये क्लियर हो रहा होगा कि एट्थ का जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, जो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होगा, क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस का खुद का ही मतलब यही होता है कि ग्लो करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है नाइन्थ क्वेश्चन। पढ़िए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द लेंस, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेंस के सेंटर से पास करती है उसे हम क्या कहते हैं? मिडल एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं? तो ये हमें बताना है आपने। जो नाइन्थ क्वेश्चन है आपने होप आंसर मार्क कर दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, प्रिंसिपल एक्सिस हम उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं जो कि सेंटर ऑफ लेंस से पास करती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है टेंथ क्वेश्चन है। वेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इज कॉल्ड, ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और ट्रांसपायरेशन। तो आपको पता है ट्रांसपायरेशन तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि ये बायो का आ गया। स्कैटरिंग आपको पता है डिफरेंट पार्ट में टूटना होता है, रिफ्लेक्शन होता है आपका जो टोटल रिफ्लेक्ट होती है लाइट, और ऑप्शन आपका क्या बचा, सिर्फ बी ऑप्शन बचा जो है रिफ्रैक्ट होना यानी कि बेंड होना। ठीक है ना, तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए 11th क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। सरफेस दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, वो कौन से सरफेसेस हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट सरफेस, ओपेक सरफेस, ल्यूमिनस सरफेस एंड नन। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि ओपेक सरफेसेस, यानी कि ओपेक सरफेसेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, तो हमें बतानी है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ऑप्शन जो आपके पास प्रोवाइडेड है वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड बोथ ए एंड बी। बताइए टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, तो जो कि आपको ऑप्शन डी में प्रोवाइडेड है कि बोथ डी एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए 13th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सरफेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे आपने लिखना सरफेस नहीं आएगा, यहाँ पे लिखना आपने, यहाँ पे आएगा आपका सोर्स, सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे सन, टाइड, अर्थ एंड एयर। तो आपका जो सही आंसर इसका रहेगा अर्थ इज द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो इसमें होप कंफ्यूजन नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, होप ये सबको आता होगा। तो ऑप्शंस आपके पास है अमीटर, गल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। तो ये सबने 10th में पढ़ा हुआ है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कन्फ्यूजन होगी मार्क करने में, तो ये मैक्सिमम बच्चों का ठीक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है अमीटर, अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एसए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके पास है न्यूटन, ओम, वाट, जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, बताइए क्या होता है ऐसा यूनिट रेजिस्टेंट का। तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट किस तरह से करते हैं ये आपको पता होगा, हम इस तरह से जो है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस के जो यूनिट होता है उसको हम डिनोट करते हैं, जो कि ये किसका साइन है, ये आपका साइन है ओम का, यानी कि जो आपका सही आंसर होगा ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, तो ओम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह से होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, 10th में हम पढ़ते आ रहे हैं 10th से। 16th क्वेश्चन पढ़िए। इन पीएच
हम बड़ी बार जो है क्वेश्चंस में यूज़ करते थे द पीएच वैल्यू ऑफ दिस एंड द पीएच वैल्यू ऑफ दैट। तो पीएच में जो पी की फुल फॉर्म है वो क्या है, यानी कि पी स्टैंड्स फॉर, तो किस पी का जो पी की जो क्यों पी का क्या नाम है वो हमें बताना है। तो पी फॉर पोटेंशियल है, पी फॉर प्रोटॉन है, पी फॉर प्रिमिटिव है, या पी फॉर प्रोसेस है, बताइए पी का जो पी किसके लिए स्टैंड करता है पीएच में। तो ई इन पीएच द पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल इसकी फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये भाई यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, जो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपने याद रखना है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है पीएच की होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 17th क्वेश्चन पढ़िए, क्या है द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज, बताइए पीएच स्केल की जो है वो रेंज क्या होती है, वो तो हम सबको पता है वो क्या होती है, 0 to 14। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, वो क्या है, रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू विच कलर इन बेसिक अल्कलाइन कंडीशन। तो हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए इसके जो ऑप्शंस हैं वो है वायलेट, रेड, ब्लू एंड नो चेंज, जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो आपका नो चेंज। तो बताइए इसका क्या आंसर जो है वो सही रहेगा। तो आप होप आपने मार्क कर दिया होगा इसका आंसर, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, वो आपका रहेगा रेड लिटमस पेपर जो है वो टर्न कर जाता है ब्लू कलर में इन बेसिक अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब्लू। तो होप अभी तक किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए हम 19th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड अंडर विच कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड टर्न कर जाता है, तो वो आपने ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन कौन आपको जो प्रोवाइडेड है वो है एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन और बेसिक कंडीशंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एसिडिक कंडीशन, यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड टर्न करता है एसिडिक कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए 20th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन, ऑप्शंस आपके पास हैं सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो बताइए किसमें जो है पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जो आपका सही आंसर रहेगा इनमें इन ऑप्शंस में से तो वो रहेगा आपका सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जो है वो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। तो पढ़िए 21st क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें पाई जाती है, ऑप्शंस आपके पास हैं फ्लूइड्स, लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऊपर ही हमने किया सॉलिड्स, जो कि पार्टिकल्स अगर टाइटली पैक्ड हैं तो उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो 22nd क्वेश्चन पढ़िए क्या है, द ओनली मटीरियल विच कैन बी रिसाइकल 100% इज, वो कौन सा ऐसा मटीरियल है जो हम 100% जो है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास हैं पॉलीथीन बैग, ऑप्शन दूसरा है ग्लास, थर्ड आपके पास ऑप्शन है बेकलाइट और ऑप्शन फोर्थ आपके पास है सीमेंट। तो इसमें से जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्लास, यानी कि ग्लास को हम 100% जो है रिसाइकल कर सकते हैं। तो 23rd क्वेश्चन और 24th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन्वेंशन के ऊपर है, पढ़िए क्या है, हु इन्वेंटेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने इन्वेंट की थी, ऑप्शन आपके पास हैं विलियम हार्वे, एमसी मक्लम, स्कॉटिश नेवल और एडवर्ड मेलनवे। तो इसमें से जो सही आंसर होगा होप आपने मार्क कर दिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे इज द इन्वेंटर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मोशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो 24th क्वेश्चन पढ़िए, हु इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज, तो रेबीज की जो वैक्सीन है वो किसने इन्वेंट की थी, ऑप्शन आपके पास हैं जेम्स वाट, लुइस पाश्चर, थॉमस अल्वा एडिसन और नन ऑफ दीज। तो होप मार्क कर दिया होगा आपने इसका आंसर, तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर मार्क करता हूँ, इसका जो है सही आंसर रहेगा वो रहेगा लुइस पाश्चर, ठीक है। जो लुइस पाश्चर जो थे उन्होंने जो की थी वैक्सीन ऑफ रेबीज इन्वेंट की थी। तो बताइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25th,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, तो ऑप्शन आपके पास है माइक्रोब, ऑर्गन, टिश्यू और सेल, इन चारों में से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है बताइए। तो होप आपने मार्क कर दिया होगा, तो इन सभी में से जो स्मॉलेस्ट है वो है सेल। तो सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज, तो टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ये आप सबको पता होगा। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट, वो रहेगा आपका सेल। तो 25th का कौन सा ऑप्शन सही आ गया आपके पास, डी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 26th क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज, ऑप्शन आपके पास हैं सेल, टिश्यू, सिस्टम और ऑर्गन। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होगा, तो वो टिश्यू ही होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन में, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज टिश्यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जो जॉइंट के ऊपर बेस्ड है, द टाइप ऑफ जॉइंट इन यूर नी इज, आपकी जो नी होती है उसमें कौन किस टाइप का जो है जॉइंट होता है। आपके पास ऑप्शन है ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट और फिक्स्ड जॉइंट। तो बताइए इसमें से कौन सा सही रहेगा, आप सही आंसर रहेगा। तो विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन योर नी, वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हिंज जॉइंट जो है वो होता है हमारी नी में, ठीक है। 27th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, बी, यानी कि हिंज जॉइंट जो है इन अवर नी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन पढ़िए, डाइजेशन बिकम्स इन बिगिनस इन द, जो डाइजेशन है वो कहाँ शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू होती है, या माउथ में शुरू होती है, या स्टोमक में शुरू होती है। तो बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या है, डाइजेशन कहाँ बिगिन करती है, कहाँ स्टार्ट कर जाती है डाइजेशन। तो वो इसका जो सही आंसर है वो है माउथ, क्योंकि जब हम रोटी जैसे ही मुंह में डालते हैं जो सलाइवा है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि माउथ से ही डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 28th का जो सही आंसर है वो आपका रहेगा माउथ। तो पढ़िए 29th जो है वो क्वेश्चन, 29th जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती करती है, बॉटम नहीं है, यहाँ पर आएगा टॉप, यहाँ पर लिख दीजिए टॉप चैम्बर, ठीक है। The top chamber of human heart is known as, बताइए options आपके पास है atrium, option दूसरा आपके पास है aorta, option C ventricles, option D septum। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, The top chamber of human heart is known as, काफ़ी important question है ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका atrium, यानी कि atrium is the top chamber of human heart, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, यहाँ पर तो गलती से बॉटम लिख दिया था, यहाँ पे आएगा टॉप, ठीक है। द टॉप चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ एट्रियम और बॉटम चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ नोन एज, बताइए। ऑप्शन आपके पास सेम ऊपर वाले ही हैं, एट्रियम, एओर्टा, वेंट्रिकल्स और सेप्टम। तो बॉटम चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ वो आएगा आपके ऑप्शन, जो सही आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स इज़ द बॉटम चैम्बर ऑफ योर हार्ट। तो ये थी आज के 30 क्वेश्चंस, जो 70 क्वेश्चंस हैं उन टोटल 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए, और आपको जो 100 क्वेश्चंस है टोटल उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमके क्लासेस, तो होप आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा, तो वहाँ पे आपको जो मिल जाएगी। तो साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं, क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, तो आपने जरूर से सब्सक्राइब करना है इसको, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड पीडीएफ्स होती हैं, क्विजेस होते हैं या प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, तो उनको आप जो है फ़ायदा उठा सको। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना है एमके क्लासेस टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये जो मैंने आंसर्स हैं इनके प्रोवाइड करे हुए हैं 30 क्वेश्चंस के, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ हमारे जो YouTube चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जो 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ वो आप उसका जो है फुल लाभ उठा सको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से करते हो तो 50+ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इसी सीरीज़ में से निकल जाएंगे। तो और आपको बताइए क्या चाहिए, तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आपने किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।